बोनियार जो है इसके इर्द गिर्द 65 गांव हैं और बोनियार बिझामा इस दो इलाकों में ज़रूरी फायर टेंडर होना चाहिए। जब तक उड़ी की घाड़ी, जैसे कि अभी आपने देखा आग लगी है, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है, हमारे सब रीजनल मजिस्ट्रेट यहाँ पर हैं, तहसीलदार है, SHO है, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर है, लेकिन बदकस्मती यह है कि उड़ी से जब गाड़ी भोनियार में पहुँचेगी तब तक यहाँ राख सब कुछ हुआ होता है। आज मेरे अजीज़ फारूक अहमद भट्ट जो कि अब्दुल्ला अहद भट्ट के बेटे हैं, बड़ा अश्कबार हूँ मैं कि उनकी 6 दुकानें जिनमें करोड़ों का सामान था और सुई के धागे से लेकर हर चीज़ उनकी दुकान में मिलती थी, लेकिन इस वक्त वो राख का ढेर है, सब लोग वहाँ पर देख रहे हैं और जितना भी वो ख़ानदान है वो गमज़दा है और हम इलाके वाले जो उनके हमसाए भी हैं हम भी गमज़दा हैं। आपको पता है कि मैं बीमार था लेकिन जब ये आग की वारदात सुनी बोनियार बाज़ार में, अगर यहाँ पर फायर टेंडर होता, तहसील में होता, TCP के पास होता, पुलिस स्टेशन में होता, शायद ही उनकी एक दुकान भी नहीं जलती और उनका सब माल बच जा। अगर बैद में फौज, उसके बैद में हमारे NHPC और हमारी जो अपनी गाड़ियां उड़ी बारामूला से आई, अगर वो भी बर वक्त नहीं पहुंचती तो मेरे ख्याल में इस बोनियार मार्केट में जो उड़ी और अपने दिल्ली के दरमियान एक जीनत एक है, ये खाक के ढेर में बदल गई होती। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप इसको इतना हाईलाइट कर लीजिए कि बोनियार में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बिझामा में मस्जिद में आग लगी तो फायर टेंडर वहाँ पहुँचा तो सब राख हो गया था, दुकानें वहाँ जली तो मकान जले, इसी तरह बोनियार में आए दिन ऐसे वाकात होते हैं। आप मुझे बताइए कि अगर त्रिकांजन में आग लगे तो उड़ी से कब गाड़ी पहुँचेगी, बारामूला से कब गाड़ी। लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ इस बात को हाईलाइट कर लीजिए कि बोनियार की आवाम दर्दमंदाना अपील अपने UT के गवर्नर और आला हुकाम, चीफ सेक्रेटरी, डिवीजनल कमिश्नर, अपने तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, सब डिवीजनल एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर DC साहब ने खुद भी इस बात को मॉनिटर किया है, SSP साहब ने इस बात को मॉनिटर किया कि बोनियार में फायर टेंडर होना चाहिए। लेकिन ये हमारी बदकस्मती है, शायद हमारे भाग्य में नहीं लिखा है अभी कि ये फायर टेंडर। आज मैं फिर एक बार आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस बात को एक बार फिर दोहराया जाए ताकि आला हुकाम, तब आज UT है हमारी, जब ही बात करेंगे तभी वो काम होना चाहिए। तो मैं एक बार फिर ये कहता हूँ, दर्दमंदाना अपील तहसील बोनियार की आवाम की तरफ से करता हूँ सरकार से कि खुदा रा बोनियार को जल्द अज जल्द फायर टेंडर, अगर दो भी आ जाते हैं, एक बिझामा में रहेगा और एक बोनियार में रहेगा, जिससे यहाँ के लोगों के माल जान और बाकी जो यहाँ जो दुकानदार हैं जिनकी यही सरमायादारी है, जिस पर अपने पेट पालते हैं, बच्चों का पेट पालते हैं, 10-10 फैमिलियाँ उनके साथ हैं, ताकि वो उनके ज़िंदगी से ऐसे खिलवाड़ ना हो, तो मेहरबानी 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 करके ये बात आला हुकाम तक पहुँचाइए कि बोनियार में फायर टेंडर ज़रूरी आना चाहिए। देखिए, एक कमी है सरकार की, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इसको, बोनियार में फायर एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत है। अभी मेरी DC ऑफिस में बात हुई है, हम कल जा रहे हैं इस केस को परस्यू करने। सर एक्चुअली ये बोनियार तहसील, अभी हम डिस्कस कर रहे थे, हम एक हॉटलाइन कुछ इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे एजेंसीज हैं लाइक NHPC, बीकन है, आर्मी है, ठीक है, अभी ये आर्मी ही है, आई ट्रूली एक्नॉलेज इंडियन आर्मी की वजह से आज इन लोगों की प्रॉपर्टी जो बच पाई वो बच गई। हम ऐसा करते हैं कि हम एक हॉटलाइन भी इस्टेब्लिश करते हैं सो दैट हमारा एक यूनिफाइड रिस्पांस रहे, NHPC जो पहले पहुंच सकता है वो पहले पहुंचे, ये ना कोई भी चाहे फ़ोन घुमाए फायर एक्सटिंग्विशर टाइम पे आ जाए, हम ऐसा एक सिस्टम इस्टेब्लिश करेंगे। NHPC है वो एसेट है हमारे यहाँ के सबके लिए, तो वो सिर्फ अपने कॉम्प्लेक्स को बचाने के लिए नहीं, वो आसपास के लोगों के लिए भी है और वो खुद चाहते हैं कि हम सबकी हेल्प करें। मुझे पता है थोड़ी लेट हो गई, बट अब कुछ मैकेनिज्म बनाते हैं ताकि एक अच्छा रिस्पॉन्स जल्दी आए। सर आज हम बोनियार वालों, देखिए मैं दिल से चाहता हूँ मैं श्योरिटी दे सकूँ, मैं एक बार डिस्कस कर लूँगा DC ऑफिस में, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो वादे आपको पहले से किए जा रहे हैं वो पूरे कर सकूँ।